ठीक है ना। हाँ प्यारे बच्चों, माई सेल्फ HLS सर फ्रॉम न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट चौमू, ठीक है। तो अपन 11th क्लास में आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, तो फिजिक्स में सबसे पहले अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है कि साहब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ जिन क्वांटिटी को क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ। बात समझ में आ गया ना, जिनको क्या कर सके अपन, मेजर कर सके, उनको क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छी बात है सर, जैसे लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क, पावर, ETC, इनको अपन क्या कर सकते हैं भाई, मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला कि साहब फोर्स है F=10 न्यूटन, आपने किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाया बेटा, 10 न्यूटन। तो अब कितना फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन, तो आपने क्या कर लिया, उसको मेजर कर लिया कि साहब 10 न्यूटन का फोर्स लगा। बात समझ में आ गई ना, आपने क्या किया, उसको मेजर किया, ठीक है ना। अच्छी बात है, जैसे लेंथ है साहब, ये लेंथ किसी भी, जैसे किसी कोई टेबल है या किसी भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना, उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, जैसे उसने कितनी की, L=5 मीटर, ठीक है। तो आपने मेजर किया कि लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। बात समझ में आ गई। अच्छा, सबसे पहले यहां से एक चीज निकल कर आई अपने सामने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपन। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिनोट कर दिया P.Q, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोटे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट। जैसे अभी आप लोगों ने फोर्स के बारे में बात की कि सर F=कितना है, 10 न्यूटन, तो आपने बोला कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे फोर्स है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है भाई, 10, और उसकी यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, उसकी यूनिट क्या है भाई, न्यूटन। तो ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोल सकते हो, P.Q=, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोल सकते हो, N, और यूनिट को क्या बोल सकते हो बेटा, U। तो ये एक तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या आ गई बेटा, उसकी यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको जब आगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करवाऊंगा तब करवाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो अभी कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट। बात समझ में आ गई ना, एकदम अच्छी बात है साहब, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में बात करें अपन फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आती है बेटा बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, नंबर 1 बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और नंबर 2 आता है डिराइव क्वांटिटीज। नंबर 2 क्या आता है बेटा, डिराइव्ड
क्वांटिटीज। बस समझ में आ गई ना। नंबर वन बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर टू ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा दोस्तों सुनो, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, समझ में आ रही है ना, वो स्टैंडर्ड सेवन होती है। मतलब इसके टाइप कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के? सात। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये स्टैंडर्ड है कि साफ कितने टाइप की आती होती हैं? सेवन टाइप की। तो ये सात जो इसके टाइप हैं वो हैं, ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। मीन्स इसके कितने टाइप है बेटा? सात। ये सात अपने आप में स्टैंडर्ड हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? कितने टाइप है इसके? सात। बात समझ में आ गई। नंबर वन मास, नंबर टू लेंथ, नंबर थ्री टाइम, नंबर फोर टेम्परेचर, नंबर फाइव करंट, नंबर सिक्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर सेवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितने टाइप हो गए बेटा? सात। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, नंबर ऑफ मोल्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सेवन टाइप की होती हैं। ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। जो भी आपने बोला बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? एकदम सही। अच्छा इसके बाद में बात करें बेटा ड्राइव क्वांटिटीज। दूसरे नंबर की क्या आती है बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? ड्राइव क्वांटिटी ये जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी हेल्प से ड्राइव की जाती है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये क्वांटिटी, ये जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी हेल्प से क्या करोगे बेटा? ड्राइव करोगे। ड्राइव क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो इन सेवन की हेल्प से क्या हो? ड्राइव हो। उनको क्या बोलोगे? ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि साहब आपने बोल दिया एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क, फॉर एग्जांपल फोर्स, ये है ना, और भी बहुत सारे सारे एग्जांपल इसके, इन सेवन के अलावा जो भी बच गई वो किस में आ जाएंगी बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? ड्राइव क्वांटिटीज में। बात समझ में आ गई। तो ये जो भी है, जैसे एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है बेटा जरा बताओ मेरे को? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी एक तरह की लेंथ है। तो एरिया को किससे ड्राइव किया? लेंथ, यानी ये लेंथ इसमें आ गई, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को ड्राइव किया आप लोगों ने। बात समझ में आ गई। जैसे वर्क है, वर्क क्या मन सब क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझना, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स क्या होता है बेटा? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। फोर्स क्या होता है बेटा? न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। और ये क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट एस। एम क्या हो गया? मास। ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, याद रखना। एरिया का मतलब क्या होता है, सॉरी ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। समझने की कोशिश करो। मास तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, यानी एस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये एक टाइम आ गया, और ये क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो अब यहाँ से अगर इसको देखो तो मास, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, ये क्या है बेटा? टाइम। ये भी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इसको ड्राइव किया, इसको ड्राइव किया
तो आपको पता है कि ये सात इसमें से आ रही है। जैसे देखो मास, ये रहा सर मास, ये क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, ये आ गया। टाइम ये आ गया, सेकंड ये आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वापस से लेंथ में आ गया। मतलब आप लोगों के सामने जो भी कोई फॉर्मूला होगा ना, वो अगर पूरा उसको आप लोग पूरा ड्राइव कर दो उस फॉर्मूले को, तो वो कहां से निकल कर आएगा बेटा, यहीं से निकल कर आएगा, सास, इस सेवन फिजिकल क्वांटिटीज से। तो मेरे खाने का मतलब क्या है बेटा, ये थोड़ा सा कितना थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा के मैं तो इतना बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि सात फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इन्हीं की हेल्प से क्या करते हो आप, ड्राइव क्वांटिटीज को ड्राइव करते हो। ये चीजें आपको टाइम के साथ और पता लग जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा आप लोगों की ड्राइव क्वांटिटीज होगी। इसके बाद में आती है बेटा दूसरा, आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा ड्राइव क्वांटिटीज, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। वो ही दो टाइप की होती है बेटा, नंबर वन फंडामेंटल यूनिट और नंबर टू डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में है सर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, चैप्टर का नाम भी क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करें बेटा, यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होती है भाई, ठीक है। तो यूनिट का मींस क्या है बेटा कि साहब जैसे एक बात बताओ आप मेरे को, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है यहाँ पे 10, तो 10 तो क्या है बेटा एक नंबर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे लगाया केजी, आपके दिमाग में आया कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर मास के बारे में बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने 5 और मैंने लिख दिया जैसे 5 मीटर, 5 तो एक तरह का नंबर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे मीटर लगाया आपके दिमाग में आया क्लिक मारा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं साहब लेंथ के बारे में। सर किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो 10 एक नंबर था, मैंने केजी लगाया तो आपके दिमाग में आया कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर मास के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 5 तो एक नंबर था, जैसे मैंने इसके आगे लगाया मीटर 5 मीटर, तो आपके दिमाग में आया सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर लेंथ वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट होती है वो अपन को उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताती है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जैसे 10 था, लेकिन 10 केजी लगते ही अपन के दिमाग में आ गया कि यार मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिट क्या करेगी उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन को बताएगी। समझ में आ गई? पक्का अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा तो मैंने क्या बोला कि दो टाइप की यूनिट होती है भाई, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है ड्राइव यूनिट। सबसे पहले किसके बारे में बात कर ले बेटा, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात करें। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है भाई, जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होती है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनकी जो यूनिट होंगी उसी को क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट। एकदम सही दिमाग में बैठा बेटा। जैसे जैसे मैं यहां पे बात करूं मास, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं यूनिट, ठीक है। जैसे मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, नंबर ऑफ मोल्स मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा कैंडेला,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट होंगी उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मैंने बोला मास की सब किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, नंबर ऑफ मोल्स मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला। ये जो आपकी क्या है बेटा, सेवन टाइप की यूनिट है। इनकी बात करें बेटा सिंबल, इनके सिंबल क्या है साहब, किलोग्राम केजी, मीटर एम, सेकंड एस, केल्विन के, एम्पियर को डिनोट करते हैं बेटा ए से, मोल को एम ओ एल, और कैंडेला को सी डी से, कैंडेला को सी डी से डिनोट करते हैं भाई। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गया होगा फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है कि सर जो सात बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट हैं उन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद में बात करो सर ड्राइव यूनिट का मतलब क्या है। ड्राइव यूनिट का मतलब होता है जो आप लोगों की ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट हैं उनको को क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइव यूनिट। जैसे अभी आप लोगों ने बोला फॉर एग्जाम्पल एरिया, जैसे मैं बोलूं वॉल्यूम, जैसे आप लोगों ने बोला डेंसिटी, जैसे आप लोगों ने बोला फोर्स ईटीसी, जैसे एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आ गया? तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर इनटू मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई बेटा मीटर स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी बेटा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। जैसे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, के जी अपॉन मीटर क्यूब। समझ में आ गया ना बेटा? फोर्स की क्या होती है, जैसे आप जनरल जानते हो क्या होती है फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, अरे ये होता है एफ इक्वल टू एम ए, तो इसकी यूनिट की बात करें तो देखो मास की क्या होती है बेटा के जी, और एक्सेलरेशन होता है बेटा, एक्सेलरेशन की क्या होती है ए का मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू एम ए, अच्छा मास की यूनिट क्या होती है के जी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा जरा बताना, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की क्या होती है बेटा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या बन जाती है ये। जैसे इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, न्यूटन, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे बोलते हैं, लेकिन अभी आप समझो कि ये होती है। तो आप लोगों की जो भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट होंगी उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को क्या बोलते हैं ड्राइव यूनिट, उसी क्या बोलते हैं बेटा ड्राइव यूनिट। बस समझ में आई कि नहीं आई बताओ जरा, पक्का? अच्छा बेटा ये सात जो मैंने बताई है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनको अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है ना? अच्छी बात है साहब, आगे बढ़े बेटा। जैसे इसके बाद में एक बेटा दो यूनिट और आती है बेटा, वो जैसे अगली मैं बात करूं सप्लीमेंट्री यूनिट, कौन सी बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, ठीक है इसको भी याद करना है आपको। दो यूनिट होती है, नंबर एक एंगल और दूसरी होती है बेटा सॉलिड एंगल, ठीक है? अच्छी बात है सर, ठीक है ना? एक क्या होती है बेटा एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल, ठीक है? अच्छा तो सबसे पहले एंगल होता है, एंगल की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है रेडियन,
यूनिट रेडियन, और इसकी होती है बेटा स्टेरेडियन। इसका जो सिंबल होता है इसको डिनोट करते हैं बेटा रेडियन आर ए डी, और इसको करते हैं बेटा एस आर से, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है बेटा? दो होती हैं, एक तो एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एक तो क्या होती है बेटा? एंगल, और एक क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन, और उसका सिंबल क्या होता है? आर ए डी। दूसरी सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? स्टे रेडियन, और उसको किससे डिनोट करते हैं? एस आर, ठीक है। जैसे तुम लोगों के दिमाग में आ जाए सर, थोड़ा सा हमको इसके बारे में समझाओ आप। तो बेटा देखो क्या है, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं आपके सामने एंगल, ठीक है ना। एंगल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो वो होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताना? आर्क अपॉन रेडियस। जैसे मैं बात करूं कि सर आर्क, आर्क एक तरह की लेंथ होती है। अरे भाई ये आप लोगों का सेंटर पॉइंट है, जैसे मैं आर्क के बारे में बात करूं, ये सेंटर पॉइंट है। यहां से आप लोगों ने क्या बनाया? एक आर्क बनाया बेटा, कितने एंगल का? थीटा एंगल का। ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से क्या किया आप लोगों ने बेटा? एक आर्क बनाया, कितने एंगल का बेटा? थीटा एंगल का। कितना एंगल का जरा बताना? थीटा एंगल का, ठीक है। तो ये जो आर्क है इसको तो क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? ये रही, और ये क्या है बेटा? रेडियस। रेडियस को डिनोट किससे करते हैं बेटा? आर से। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आप लोगों ने ये बनाया, इसकी लेंथ है ये, और साथ में ये क्या आ गई बेटा? इसकी रेडियस। तो एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, अच्छी बात है। जैसे मैं इसकी यूनिट बताऊं आप लोगों से, आर्क एक तरह की लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? आर्क एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। और मैं बोलूं रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहां से तो ये यूनिट आई नहीं। लेकिन बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन। लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, सप्लीमेंट्री यूनिट है, इनकी डायमेंशन नहीं होती। आगे इस चीज को अपन डायमेंशन वाला जब टॉपिक आएगा उसके बारे में तब बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो रेडियन है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। यहां से तो ऐसा लग रहा है यूनिट नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या होती है बेटा? यूनिट होती है रेडियन। बस समझ में आ गई ना, अच्छी बात है। जैसे मैं जनरल चल ही रहा था तो एक मैं छोटी सी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ वन रेडियन की डिफाइन क्या होगी? किसकी बेटा? वन रेडियन की डिफाइन बताओ। तो वन रेडियन की अगर डिफाइन बताएं अपन, तो बेटा देखो क्या है, सुनना, ये एक सेंटर पॉइंट है, बात समझना। यहां से आप लोगों ने एक आर्क बनाया, ये आर्क बनाया बेटा, ये पूरा सर्किल था, इसमें से आपने कितना आर्क बनाया बेटा? इतना सा आर्क बनाया है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो मैंने आपसे पूछा कि वन रेडियन की डिफाइन क्या होगी, तो आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में डेफिनेशन बनाई होगी, अरे बनाई होगी छोटी क्लासों में डेफिनेशन, तो उसी वे में इसकी डेफिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी सुनना, कि देखो बेटा सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले से बनाऊं कि लेंथ इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है, ये फॉर्मूला है बेटा। तो एक बात बताओ आप मेरे को, अगर मैं आर्क ले लूं, सुनना ढंग से, आर्क ले लूं 1 मीटर का, और मैं रेडियस भी कितनी ले लूं? 1 मीटर।
तो 1/1 क्या जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये जो आप लोगों ने आर्क बनाया इसकी लेंथ है 1 मीटर और ये रेडियस कितनी है बेटा 1 मीटर, तो ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा बेटा 1 रेडियन का। इफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर पॉइंट इज 1 रेडियन, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों ने सेंटर पॉइंट से 1 रेडियन का एंगल सबटेंडेड किया, तो 1 रेडियन तब होगा जब लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 1 मीटर, कि या लेंथ ऑफ आर्क भी कितना हो बेटा 1 मीटर हो और रेडियस भी कितनी हो 1 मीटर, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पॉइंट से वो कितना होगा बेटा 1 रेडियन का। सही बात है ना कि साहब, वो भी 1 मीटर, वो भी 1 मीटर, 1 में 1 से डिवाइड किया, क्या गया बेटा 1 रेडियन आ गया, क्या गया बेटा 1 रेडियन आ गया। किसी को दिक्कत बेटा 1 रेडियन क्या होगा, पता लगा कि नहीं लगा, एकदम ठीक है ना, अच्छी बात है भाई। चलो छोटे छोटे डेफिनेशन की बात की थी अपन लोगों ने कि 1 रेडियन क्या होगा बेटा, कि लेंथ ऑफ आर्क 1 मीटर हो, रेडियस भी 1 मीटर हो, तो सेंटर पॉइंट से एंगल सबटेंडेड कितना होगा बेटा 1 रेडियन का होगा, एकदम ओके। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की, तो नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा आगे, ठीक है ना, ठीक है। तो मेनली 3 टाइप के होते हैं बेटा, MKS, दूसरा बेटा CGS और तीसरा FPS। मेनली कितने टाइप के हैं बेटा, ये 3 टाइप के, कौन कौन सा जरा बताना, MKS, CGS और FPS। इसका मतलब क्या है वो एक बार अपन समझ लेते हैं। देखो बेटा क्या है कि एक तो अपन बात करेंगे यहां पे लेंथ की, एक बात करेंगे अपन बेटा मास की, और एक बात करेंगे अपन टाइम की। तो यहां पे क्या है, मेरी बात सुनना, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ हो मीटर में, एम का मतलब है मीटर, मास हो किलोग्राम में और टाइम हो सेकंड में, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ किसमें दी बेटा मीटर में, ठीक है, मास किसमें दिया बेटा किलोग्राम में, और टाइम किसमें दे रखा है बेटा सेकंड में, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बेटा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ किसमें दे मीटर में, मास किसमें दे किलोग्राम में, और टाइम किसमें दे सेकंड में, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा MKS सिस्टम। दूसरा CGS सिस्टम, CGS सिस्टम का मीन्स क्या है बेटा, यदि आप लोगों ने लेंथ ले ली सेंटीमीटर में, मास ले लिया ग्राम में, और टाइम ले लिया सेकंड में, तो एक बार मैं लिख देता हूं, चलो यहां पे क्या है, M का मतलब क्या है बेटा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और यहां पे हो गया फुट, पाउंड,
और सेकेंड। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम को किस में लो, सेकेंड में। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है CGS सिस्टम, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरी बात करें फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम बेटा सेकेंड में। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं FPS सिस्टम। समझ में आ गया होगा बेटा MKS सिस्टम। MKS का मतलब क्या हो गया कि साहब लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम को सेकंड में लो, MKS सिस्टम। सेंटीमीटर में लेंथ लो, ग्राम में मास लो, टाइम को सेकंड में लो तो CGS सिस्टम। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में लो तो क्या हो जाएगा बेटा, FPS सिस्टम। ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा। बस समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा एक चौथे नंबर पे और आता है बेटा SI यूनिट। SI सिस्टम जिसको बोलते हो या आप बोलते हो SI यूनिट वगैरह, ठीक है। तो बेटा ये SI सिस्टम या SI यूनिट एक टाइप होता है बेटा MKS सिस्टम का ही एक टाइप है। SI यूनिट होती है ना या SI सिस्टम है, वो किसका टाइप है बेटा, MKS का ही टाइप है। SI का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बस समझ में आ गई। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये किसका टाइप है बेटा, MKS का। किसका टाइप है जरा बताना, MKS का। सर कैसे, सुनो फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ आप मेरे को, जैसे F इक्वल टू आता है आपके सामने, फोर्स आता है और F इक्वल टू होता है बेटा MA, सही है। अच्छा M का मतलब क्या हो गया बेटा, मास। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, kg। A क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है बेटा, मास। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, वो होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो MKS सिस्टम में अगर बात करें, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड, ये यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। किस में बेटा, MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है जरा बताना, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मास को kg में लिया, लेंथ को मीटर में लिया, टाइम को सेकंड में लिया, तो कौन सी यूनिट हो गई बेटा, MKS। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, मैं आपको बता दूं इसी का नाम, दूसरा नाम क्या है बेटा, न्यूटन। जो आप लोगों ने सुन रखा है न्यूटन, क्या है बेटा, न्यूटन। तो देखो बेटा, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है न्यूटन। तो ये न्यूटन क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट। किसका टाइप हुआ, MKS का टाइप हुआ। अरे MKS ही तो है यार, इसी का तो टाइप है ये न्यूटन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम अच्छे से। किसका टाइप है बेटा, ये MKS का इस टाइप है बेटा, न्यूटन। क्यों, क्योंकि इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन। SI यूनिट क्या है, न्यूटन। और ये कहां से निकल कर आई, यहां से। और ये क्या है, MKS सिस्टम में यूनिट है, तो इसी को क्या बोल दिया, न्यूटन। तो ये SI यूनिट होती है ना, SI सिस्टम, ये किसका टाइप है, MKS का ही एक टाइप है। जहां तक मेरा सोचना है, छोटी छोटी बेसिक बातें आपको आगे आ रही होंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तीन टाइप, एक चौथा होता है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये किसका टाइप है बेटा, ये MKS का ही टाइप है, एकदम ओके। चलो
कोई ना, अब एक काम करो बेटा, मैं जनरल छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे आप बताओ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के दे रखा है बेटा, आप लोगों के नोट्स वगैरह मिलेंगे, उन्हीं में दे रखा है क्वेश्चन नंबर वन। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिफरेंट फॉर अदर्स। पहला जनरल सही क्वेश्चन है बेटा, तो इसके चार ऑप्शन दे रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिफरेंट फॉर अदर्स, इसमें पहला दे रखा है MKS, दूसरा दे रखा है बेटा CGS, तीसरा दे रखा है FPS और चौथा दे रखा है बेटा SI। कौन सा डिफरेंट है, ठीक है ना? तो बेटा आपको पता है कौन सा डिफरेंट है, जरा बताना बेटा। SI डिफरेंट है, क्योंकि ये तीनों तो टाइप है, ये SI तो क्या है बेटा, MKS का एक टाइप है, बात समझ में आई नहीं? तो कौन सा अलग होगा बेटा, SI सिस्टम अलग होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छी बात है भाई, अच्छा ठीक है। चलो ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक छोटा सा जनरल, आप लोगों के नोट्स मिलेंगे बेटा आप लोगों को, तो नोट्सों में दे रखा है रिकॉग्नाइज फॉलोइंग यूनिट फॉर देयर सिस्टम। नंबर वन सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड, पाउंड अपॉन फुट, और चौथा दे रखा है बेटा फुट पाउंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। पूरा लिख दो आप लिखना चाहो, तो यहां पे क्या दे रखा है बेटा, फुट पाउंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मेरी बात समझ में आ गई ना? रिकॉग्नाइज फॉलोइंग यूनिट फॉर देयर सिस्टम्स, पहली सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड, पाउंड अपॉन फुट और फुट पाउंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो रिकॉग्नाइज करो बेटा ये कौन से सिस्टम है, जरा बताओ मेरे को, अरे बताओ यार, पता होना चाहिए। लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, कौन सा सिस्टम है? CGS में। ये किस में है बेटा, लेंथ दे रही है मीटर में और टाइम किस में बेटा, सेकंड में, तो कौन से सिस्टम में है ये, MKS में। नेक्स्ट बात करें, पाउंड अपॉन फुट किस में दे रखा है बेटा, कौन से सिस्टम में, FPS में। और चौथी अगर बात करें, फुट पाउंड अपॉन सेकंड स्क्वायर बेटा कौन से सिस्टम में दे रखी है बेटा, FPS सिस्टम में दे रखी है। तो कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। बेसिक सी बात है साहब, आपको बताना है कौन से सिस्टम में है, कि देखा लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, तो हमको पता लग गया CGS में। सिमिलर हम लोगों को पता लग गया कि साहब कौन से सिस्टम में दे रखी है।